हेलो स्टूडेंट्स, पेपर्स आपके आने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूं आपको, जो गाइडलाइंस आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम का लगभग 1 और 1.5 मंथ रह गया है, तो अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स पर बोर्ड एग्ज़ाम का। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है इस दौरान एग्ज़ाम तक। पहली इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो है प्रिपरेशन कैसे करें, आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, इसके लिए ज़रूरी है सही गाइडलाइंस और सही स्ट्रेटजी। हार्डवर्क करने वाले बहुत हैं और उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हार्डवर्क के साथ साथ सही स्ट्रेटजी भी अपनाते हैं, तो वो स्ट्रेटजीज क्या हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। तो पहली बात है कि आपको 10 ईयर्स के सैंपल पेपर्स सॉल्व करने हैं, अभी से स्टार्ट करने से, और लगभग 10 सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करें। अभी मैथमेटिक्स में कुछ चेंजेस भी आए हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं वो आपके 20 क्वेश्चंस हैं जो इस बार चेंज हुआ है, जो कि 4 आते थे इस बार 20 क्वेश्चंस आए हैं। तो उसमें आपको जो है जो 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो कुछ ट्रिकी हो सकते हैं और कुछ रिदम से जो पहले का पैटर्न है उससे कुछ हटके हो सकते हैं। उसका आपको बेसिकली ध्यान रखना है ये कि उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको हर एक चैप्टर से पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कुछ पॉइंट दे रखे होते हैं, उसकी थ्योरी दे रखी होती है, वो आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स से वो उनमें से ज़्यादा होंगे, है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट ना होकर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, जो स्टार्टिंग में जो थ्योरी दे रखी होती है उसमें से लिए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनमें आप देखेंगे एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लग रही है। जो एग्जाम्पलर्स आपकी एनसीईआरटी की है, उस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को लें आप और उसमें से आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे करें, और क्वेश्चन जो दे रखे हैं ऑप्शनल टाइप के, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जरूर लें आप और उसे सॉल्व करें। मैथमेटिक्स में बेसिकली मैं बता रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और ये मुझे विश्वास है, क्योंकि अभी हमने देखा है जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड ने जो एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, उसमें हमने स्टडी जब करी थी तो हमने देखा कि उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थे और बहुत कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, जो रिदम से हटके थे, जो पहले क्वेश्चंस आते रहे हैं 1 मार्क्स के उससे अलग हटके क्वेश्चंस थे वो। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि एग्जाम्पलर से आप तैयारी करें, और बड़ी कोई बड़ी बुक नहीं है वो, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, और उसका जो स्टफ है वो ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं है पढ़ ना सकें आप, तो उसे आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बात वो है साइकोलॉजिकल प्रेशर, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैक्टर जानना, क्योंकि इस फैक्टर को जाने बिना आप जो है अपनी स्टडी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और वो क्या है, वो है ये कि जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और उस प्रेशर की वजह से हमारा डाइवर्जन होता जाता है स्टडी की तरफ से। ये ऑटोमेटिकली होता है, साइकोलॉजिकली होता है, हर किसी के साथ होता है। जितना टाइम कम होता जाता है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए, उतना ही हमारा माइंड पढ़ाई से हटता जाता है। लेकिन आपको स्टक रहना है इस चीज़ से कि आपको अपनी डायरेक्शन को, जो पढ़ाई करने की पर डे का रिदम बना हुआ है तो उस पर आपको फिक्स रहना है, जो आपने शेड्यूल बना लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको लगे रहना है, यानी कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे ऊपर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बढ़ना चाहिए टाइम, आप सोच लेना ये पहले से कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से आपका मन पढ़ाई से हटेगा ही हटेगा, ये फैक्टर बता रहा हूँ मैं, आप देखना, वरना जैसे नज़दीक आएंगे एग्ज़ाम वैसे वैसे आपका पढ़ाई से मन हटेगा। तो आपको ये जो आपका नेगेटिव एस्पेक्ट एग्ज़ाम के नज़दीक आने वाला है उससे आपको बहुत सतर्क रहना है, जागरूक रहना है कि अपने ऊपर ये चीज़ हावी ना होने दें। तीसरी बात है कि एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम आती है, फॉर्मूलाज हम भूल जाते हैं, टाइम कम होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से फॉर्मूला स्लिप हो जाता है माइंड से,
स्टार्टिंग में याद होता है लेकिन एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको अच्छा करने के लिए आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स आप जो है, जैसे आपने 4 फार्मूलाज लिखी और उसे लिखने के बाद अपनी जेब में रख लिए, वो आप फ्लैश कार्ड कहते हैं उसे। हम उसे आप दिन में 4-5 बार जब जब टाइम मिले आपको, आप उसे दोबारा देखें, हर एक बार देखें, 4-5-10 बार देख लें दिन में, तो फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, रेपिटेशन और रिट्रीवल मेथड काम करता है यहाँ पर, है नहीं? तो फ्लैश कार्ड का यूज़ करें अच्छे से, फ्लैश कार्ड आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अभी से स्टार्ट कर दें, फॉर्मूलाज लिखें सुबह के टाइम पर, और एक पेपर में लिखने के बाद उसे आप दिन में 3-4-5-6 जितने बार देखेंगे ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपको पक्का हो जाएगा वो फॉर्मूला। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ। आप जो है जो शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने का, वो आप आर के हिसाब से ना बनाएं। आर्स के आपको 2 आर्स पढ़ना है आज भाई, हमें 2 आर्स मैथ पढ़ना है, 2 आर्स हमें फिजिक्स पढ़ना है, 2 आर्स हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, इस तरह से वो नहीं बनाएं। आप बनाएं इस तरह से शेड्यूल कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, टाइम बाउंड ना करें, आपको कॉन्सेप्ट बाउंड करना है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कि 1 आवर हो गया बस छोड़ दिया, है ना? ये बात समझ लें आप अच्छे से कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बाउंड करना है कि 1 आवर हो गया मैथ का काम ख़त्म, नहीं, आपको ये बाउंड करना है कि हमें ये सीखना है इंटीग्रेशन कितने टाइम लगेगा, डजेंट मैटर, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वही हमारा टाइम टेबल है। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल ना बनाएं, आपका टाइम टेबल होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कितना टाइम लगेगा वो अलग बात है, उसके ऊपर ना जाएं टाइम के ऊपर। बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, जैसे आपका पोमोडोरो टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, पोमोडोरो टेक्निक है उसे अप्लाई कर सकते हैं आप। बीच में आप गैप ले सकते हैं, जैसे आपने 1 आवर का लगाया सिस्टम, तो आप जो है 1 आवर का लगाया तो 50 मिनट्स आपने जैसे 1 आवर का आपने सेट किया, तो 50 मिनट आप जो है ना 50 मिनट आप पढ़ाई करें, 10 मिनट आप कुछ भी काम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है नहीं? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप कुछ जॉगिंग कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आपका मर्जी का काम कुछ भी हो सकता है वो 10 मिनट का। फिर 10 मिनट ब्रेक होने के बाद फिर आप स्टिक हो जाएं उसी पर कि आपको फिर पढ़ाई करनी है जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता पूरा। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। और पांचवी बात जो लास्ट है वो है कि आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें अगर किसी सब्जेक्ट में मास्टरी पानी है तो। 3 बातों का ध्यान रखें आप, 3 स्टेप हमारे स्टडी के, सही से स्टडी के हमारे 3 स्टेप हैं जी। अगर आपको मास्टरी पानी है किसी सब्जेक्ट में तो 3 स्टेप का ध्यान रखें, स्टडी, प्रैक्टिस एंड टीच। मतलब आप पहले स्टडी करें अच्छे से किसी सब्जेक्ट की या किसी टॉपिक की, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें उसे, कैसे करते हैं। चौथी बात, तीसरी बात, इसका तीसरा पॉइंट जो है वो चीज़ किसी को पढ़ा दें, जो आपने सीखा है प्रैक्टिस की हुई है उसे किसी को पढ़ा दें। और जैसे आप पढ़ा देते हैं किसी को तो वो सारा का सारा स्टफ, सारा का सारा पढ़ा हुआ परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन, और जब परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाती है उसका यूज़ आप कभी भी कर सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें जो बताई थी हमने, और इसके बाद आप बेहतर ही होगा, कोई डाउट नहीं है। ये हमारे अपना एक्सपीरियंस था जो हमने आपके साथ शेयर किया, आप इसे अमल करके देखें एक बार और फिर इसका रिजल्ट देखना कैसा होता है, उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।